अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो ये हमारा लेक्चर नंबर है 11 डबल स्टेटर का, जिसमें हम ये सीखेंगे कि मेस्टूल होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इलिप्स शेप लेता हूँ, ठीक है। और अब मैं कीबोर्ड से यू की की प्रेस करता हूँ तो क्या होता है कि मेरे पास मेस्टूल सेलेक्ट होता हो जाता है। ठीक है, अगर आप टूल बार में जाएँ, ठीक है, तो आप नीचे शेप बिल्डर टूल के बिल्कुल नीचे ये आपको मेस्टूल नज़र आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, जब आप मेस्टूल को सिलेक्ट करना है तो ये एक एरो आ रहा होगा, ठीक है, जिस पे चार बॉक्सेस बने हैं और एक प्लस का ऑप्शन, एक प्लस का आइकॉन बना है। तो आपने क्या करना है, आपने शेप के बिल्कुल सेंटर पे जब आप लेके जाएंगे इस एरो को, तो आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या करता है, चार हिस्सों में इसे डिवाइड कर देता है। डिवाइड तो नहीं करता, मतलब इससे चार हिस्सों में ये ऐसे लग रहा है जैसे ये चार हिस्सों में डिवाइड है। अब इसी तरह मैं चाहता हूँ कि ये पॉइंट से लेके, मतलब सेंटर पॉइंट से लेके जो टॉप वाला पॉइंट है, मैं इसके सेंटर में भी एक पॉइंट डालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर इसके सेंटर पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर भी एक लाइन आ जाएगी। इसी तरह मैं बॉटम पर भी कर देता हूँ, और इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो सेंटर वाली लाइन है इसके पॉइंट से लेके जो राइट साइड की तरफ है वहाँ पे उसके, मतलब ये पॉइंट और इस पॉइंट के सेंटर में भी एक पॉइंट बने, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, और इसी तरह आप लेफ्ट की तरफ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि जैसे एक लाइट ऊपर की तरफ पड़ रही है, जैसे मान लें कि यहाँ से मेरी लाइट पड़ रही है, ठीक है, यहाँ पे लाइट आ जाएगी, ठीक है, इस एरिया में लाइट आ जाएगी और इस एरिया में जो नीचे की तरफ यहाँ पे क्या होगा, शेडोज़ आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्रिएट करने के लिए मैंने क्या करना है, मैंने तो पहले ये शेप क्रिएट की, ठीक है, मैश टूल के ज़रिए। अब मैं जाता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से और ऊपर से टॉप से इस वाले एरिए में इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, और इस जब मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये अकेला पॉइंट यहाँ से सिलेक्ट हो गया। अब मैंने जाना है कलर पिकर में और यहाँ से थोड़ी सी लाइट, यहाँ से लाइट कलर ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये देखें कि जो मैंने पॉइंट सिलेक्ट किया था वहाँ पर क्या हुआ, वो लाइट कलर वहाँ पर अप्लाई हो गया। आप अगर मैं इसे जूम करूँ तो आप देख सकते हैं कि अभी वो पॉइंट सेलेक्ट है, तो यहाँ पे ये हैंडल्स भी आ रहे हैं। आप इन हैंडल्स की मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, अगर मैं चाहता हूँ कि ये पॉइंट मेरा डिलीट हो जाए तो मैं क्या करूँगा, मेस्टूल को पकड़ूँगा, ठीक है, मेस्टूल मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया। अब मैं इस वाले पॉइंट को अगर डिलीट करना चाहता हूँ तो कीबोर्ड से अल्ट प्रेस करूँगा और यहाँ से डिलीट का बटन प्रेस, सॉरी क्लिक कर दूँगा अल्ट प्रेस करके, तो वो क्या हो गया, वहाँ से डिलीट हो गया, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि इस वाले एरिए पे नीचे ये बॉटम एरिए पे ये यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अगर इधर लाइट पड़ रही है तो इधर शेडो आना चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैंने तो पहले आल को सिलेक्ट किया, शेप बिल्डर टूल को सिलेक्ट, सॉरी मैश टूल को सिलेक्ट किया और ये नीचे वाला पॉइंट, फॉर एग्ज़ाम्पल मैश टूल को सिलेक्ट करके ये वाले पॉइंट को मैं इधर से सिलेक्ट करता हूँ, इधर से मैं इसका कलर क्या करता हूँ, कलर पिकर टूल से इधर से डार्क कर देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि इधर से लाइट है, उधर से डार्क है। अगर मैं चाहता हूँ कि इस वाले पॉइंट को भी मैं सिलेक्ट करके मज़ीद इसी तरह डार्क करना चाहता हूँ तो वो कर सकता हूँ, ठीक है। इस वाले पॉइंट को मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट किया और कलर आई पिकर टूल से मैंने किया कि क्या किया, उधर जो सेंटर में डार्क बरगंडी रेड कलर था उसको सिलेक्ट किया, तो वो क्या हो जाएगा, उस एरिया पे शेडो बन जाएगा। अगर इस तरह मानने के, फॉर एग्जांपल ये किसी चीज़ यहाँ, ये जो हमारा ये जो एक बॉल है ये किसी टेबल पे पड़ी है और इसके साथ फॉर एग्जांपल मान लें कि इस वाले एरिया पे एक ग्रीन कलर का क्या है बॉक्स पड़ा है, मैं चाहता हूँ कि इस बॉक्स की रिफ्लेक्शन इसके ऊपर पड़े, तो वो कैसे होगा, वो इस साइड पे आ जाएगी। अब मैं सबसे पहले इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैश टूल को सिलेक्ट करके ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से कलर पिकर टूल से मैं इस में से ग्रीन उठा लेता हूँ, और इसी तरह मैं इस वाले पॉइंट को भी सिलेक्ट करता हूँ, इससे ऊपर वाले को, और यहाँ से ग्रीन का कलर ले सकता हूँ। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इस एरिए पर मान लें कि
अगर यहाँ पे एक ये जो बॉल है किसी, मैं यहाँ से सर्कल ही ले लेता हूँ ठीक है, और सर्कल को इस के पीछे रख देता हूँ और इसका कलर मैं यहाँ से कर देता हूँ ब्लू। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे इसके नीचे बिल्कुल एरिया पे, पहले तो क्या होगा कि ये जो नीचे सबसे एरिया आता है वहाँ पे हमेशा डार्क कलर आता है ठीक है ऐसे। अब इस एरिया पे मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ये ब्लू कलर आ जाए। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, आई पिक से आई प्रेस करके कलर पिकर टूल से मैंने वो वाला एरिया सेलेक्ट किया ठीक है। अब मैं इसकी कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके इसको डुप्लीकेट करके ठीक है, ये जो मैंने डुप्लीकेट किया इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, और इसका कलर ये वाला ये थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, और इसकी ओपेसिटी यहाँ से तकरीबन 50 कम कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमने मैश टूल के ज़रिए एक बॉल को क्रिएट किया। मैश टूल के ज़रिए हम किसी भी चीज़ को रियलिस्टिक फील दे सकते हैं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 11 था, तो ये लेक्चर हमारा यहीं तक है। आप इस लेक्चर को बार बार देखिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।